और यूरोप से ईरान इसराइल जंग में ब्रिटेन भी अब कूद पड़ा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि ईरान के ड्रोनों को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। उधर इसराइल के पलटवार की दहशत में ईरान के अंदर लोगों में बेचैनी देखने को मिल रही है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। लोग युद्ध की वजह से खौफ में हैं। डेढ़ सौ से ज्यादा ड्रोन, तीस क्रूज मिसाइल, सौ से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, तीन देशों की जमीन, ईरान, इराक और यमन, करीब 300 ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ईरान, सीरिया, यमन और इराक की धरती से इसराइल पर तीन तरफा हमला हो गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के एक इशारे पर इसराइल को दहलाने के लिए दुनिया के तीन देशों से सैकड़ों मिसाइल ड्रोन इसराइल पर टूट पड़े। इसराइल का आयरन डोम एक्टिव हो गया। इसराइल का एरो डोम भी जंग के आसमान में कहर खाने लगा। इसराइल, जॉर्डन और सीरिया के आसमान में मिसाइल से मिसाइल टकराने लगे। ड्रोन से आयरन डोम के हथियार टकराने लगे। इस तरह ईरान और इसराइल का युद्ध शुरू हो गया। ईरान ने वो झिझक तोड़ दी जो उसको बार बार इसराइल पर सीधा हमला करने से रोक रही थी। एक अप्रैल को सीरिया के अंदर ईरान के दूतावास पर हुए हमले और ईरान के जनरलों, सैनिकों, अधिकारियों और नागरिकों समेत 13 लोगों के मारे जाने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने जो वादा किया था वो बदले का वादा पूरा कर लिया, जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस। लेकिन अब इस जंग में आगे क्या होने वाला है? क्या ये जंग बढ़ने वाली है? इसराइल अब क्या एक्शन लेने वाला है? आखिर क्यों ईरान जंग शुरू करने के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया? रात भर यूरोप के कौन कौन से देश ईरान के हमलों के खिलाफ इसराइल की मदद करते रहे? अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने इसराइल की सुरक्षा और ईरान पर कार्रवाई को लेकर आखिर क्या बयान दिए? आखिर इसराइल की वॉर कैबिनेट ईरान के खिलाफ पलटवार को लेकर क्या फैसला ले चुकी है? इन सारे सवालों का जवाब आपको हम देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसराइल की जमीन पर हुए हमले से। जैसे इसराइल पर ईरान ने ताबड़तोड़ 300 ड्रोन और मिसाइल दागे और इसराइल का आयरन डोम और एरो डोम एक्टिव हो गया, वैसे ही पूरे इसराइल में चेतावनी के सायरन बज उठे। इसराइल के तमाम लोग और नागरिक सुरक्षा के लिए बने हुए बंकरों और बम शेल्टर्स की तरफ दौड़ पड़े। इसराइल की पूरी आर्मी ईरान के हुए हमले से बचाव करने में जी जान से जुट गई। फिलहाल युद्ध की स्थिति यह है कि इसराइल मनोवैज्ञानिक जंग लड़ने में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। इसराइल की तरफ से ये बयान दिया गया है कि ईरान की तरफ से फायर किए गए सभी ड्रोन और मिसाइल लगभग 99% तक इसराइल के एयर डिफेंस हवाई सुरक्षा के द्वारा रोक दिए गए हैं। लेकिन अराद के पास बेडोइन शहर में ईरान की एक मिसाइल का हमला कामयाब हुआ है, जहां पर 7 साल की एक लड़की घायल हुई है। इसराइल के एक मिलिट्री बेस की हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचाने का दावा शुरुआत में किया गया था, क्योंकि यहां पर एक क्रूज मिसाइल के सफल हमले की बात कही गई। लेकिन इसराइल ने फौरन इसी एयरबेस का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इसी हवाई अड्डे पर F-35 लड़ाकू विमान उतर रहा है। इसराइल ने साफ साफ कहा है कि ईरान के हमलों का उसकी हवाई पट्टी पर कोई असर नहीं हुआ।
दूसरी तरफ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने भी चेतावनी दी है कि तेहरान अपने हितों, अधिकारियों और नागरिकों पर हुए किसी भी इजरायली हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा हमला जबरदस्त रहा, इजरायल को उम्मीद से ज्यादा चोट लगी है, हमने हमला करके अपने सारे निशाने सही लगाए हैं। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने ईरान के सरकारी टीवी में बयान जारी किया है कि अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो हमारी प्रतिक्रिया इस सैन्य कार्रवाई से कहीं अधिक बड़ी होगी। ये तस्वीर देखिए, जिस वक्त ईरान और उसके सहयोगियों की तरफ से मिसाइल और ड्रोन इसराइल पर हमला कर रहे थे, उस वक्त और उसके बाद कई घंटे तक सीरिया, ईरान, इसराइल, जॉर्डन के आसमान पर कहीं एक भी यात्री विमान लोकेट नहीं हुआ, यानी पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया गया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान और उसके सहयोगियों की तरफ से 170 ड्रोन फायर किए गए। ये सारे ड्रोन इजराइल ने मार दिए, यानी एक भी ड्रोन इजराइल की धरती को हिट नहीं कर पाया। ईरान ने 30 क्रूज मिसाइलों से फायर किया, इनमें से 25 क्रूज मिसाइल इजराइल के हवाई सुरक्षा कवच ने ध्वस्त कर डाली। ईरान ने 120 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की, इनमें से ज्यादातर लंबी दूरी तक जाकर एयर डिफेंस करने वाली इजराइल की मिसाइल एयर डोम सिस्टम ने नष्ट कर दी। इसराइल के राष्ट्रपति ने इसराइल की सेना का धन्यवाद दिया कि उसने ईरान के हमले को सफल नहीं होने दिया। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कोरेल्ला इसराइल के अंदर पिछले कई दिनों से मौजूद हैं और रक्षा मंत्री यो गैलन के साथ उनकी चर्चा जारी है। जैसे ही ईरान का हमला हुआ, इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलन ने अमेरिका में फोन किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने एक्स पर एक संदेश पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हमने रोका, हमने खदेड़ा, साथ मिलकर हम जीते। नेतन्याहू और बाइडन के बीच फोन पर भी बातचीत हुई है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने बाइडन से कहा है कि इजराइल जीत गया है क्योंकि ईरान कोई भी बड़ा नुकसान करने में सफल नहीं हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस वक्त दुनिया के सबसे व्यस्त विदेश मंत्री हैं। वो यूरोप के देशों से भी बात कर रहे हैं और इन देशों के माध्यम से ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं कि ईरान अब इस मामले से पीछे हटे, जबकि पश्चिम एशिया के इस्लामिक देशों से बात करके भी एंटनी ब्लिंकन ईरान को अलग थलग करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसराइल पर हमला करने के फौरन बाद ईरान के शहरों में जबरदस्त जश्न मनाया गया। दूसरी तरफ ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भी लिखा और इस पत्र में ये कहा गया कि यूएन के चार्टर 51 के तहत उसे इसराइल के द्वारा किए गए हमले का बदला लेने का अधिकार है और उसने यूएन के चार्टर का ही पालन किया है। ईरान ने कहा कि वो इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की शुरुआती प्रक्रिया बहुत संतुलित है। अमेरिका ने कहा है कि इसराइल इस मामले को अब ज्यादा तूल ना दे और शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। दूसरी तरफ ईरान ने हमला करने के बाद अमेरिका और इसराइल को धमकी दी है। ईरान सरकार का साफ साफ कहना है कि अगर इसराइल ने इस हमले के बाद पलटवार किया तो ईरान वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर बड़ा भीषण हमला कर सकता है। ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने इसराइल का समर्थन किया तो इसका जवाब दिया जाएगा, यानी हर हाल में अब इसराइल के बाद पलटवार अमेरिका पर होगा। इस वक्त सीरिया के अंदर अमेरिका के 800 सैनिक हैं, इराक के अंदर अमेरिका के 2500 सैनिक हैं, कुवैत के अंदर अमेरिका के 13,500 सैनिक हैं, जॉर्डन के अंदर अमेरिका के 3,000 सैनिक हैं, सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के 2700 सैनिक हैं, कतर के अंदर अमेरिका के 10,000 सैनिक हैं। साफ नजर आता है कि अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह से घेर रखा है। इसराइल की सेना, इसराइल डिफेंस फोर्स के मुख्य प्रवक्ता डेनियल हगारी का यह बयान है कि फ्रांस ने भी ईरान के हमले से बचाव करने में पूरी मदद की है। अमेरिका की शुरुआती प्रतिक्रिया तो यही है कि युद्ध आगे ना बढ़े, लेकिन इसराइल ईरान के हमले के खिलाफ पलटवार करेगा या नहीं, ये इसराइल की युद्ध कैबिनेट में तय होगा। फिलहाल इसराइल के पलटवार के खौफ में ईरान के लोग बेचैन और परेशान नजर आ रहे हैं। इसराइल ने फौरन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग कर डाली और अब वो ईरान को दुनिया के अंदर साइडलाइन करने की जबरदस्त कूटनीतिक अभियान में लग गया है।
और देखिए इस वक्त इसराइल की पूरी एयरफोर्स का फोकस गाजा से हटकर ईरान की तरफ हो चुका है और इसलिए उसने अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट 24 घंटे लॉन्ग रेंज वाले ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया है। पश्चिम एशिया के आसपास समंदर इस वक्त उबल रहा है। इसराइल जवाब देगा, इसका सबको यकीन है। फारस की खाड़ी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उबलते समंदर में डाले गए युद्ध वाले तेजाब का असर दिखने लगा है। चार देशों के नाम लिए जा रहे हैं, ये है ईरान, इसराइल, अमेरिका और रूस। ईरान के समंदर में बहुत बड़ी साजिश अप्रैल के महीने में ही एक बड़ा युद्ध करवा सकती है। क्या अप्रैल के महीने में ईरान और इसराइल के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें अमेरिका भी शामिल होने जा रहा है? यह है इसराइल का F-35 फाइटर जेट। युद्ध के लिए बेचैन बैठा यही है असली विमान, जिसे इसराइल ने बड़े मिशन के लिए रेडी कर दिया है। ये दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घातक फाइटर है, जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीख में कर पाएगा। इसराइल ने अपनी F-35 स्टेल्थ जेट वाली फोर्स को ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार किया हुआ है। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। न दुश्मन का विमान इसे देख पाता है, ना ही उसके रेडार इसे ट्रैक कर पाते हैं। यही वजह है कि F-35 ईरान पर अगर हमला करता है तो ईरान के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुँच करके बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है। इसराइल के पास 39 F-35 फाइटर जेट है। अमेरिका के पास भी ऐसे करीब 500 विमान है। अमेरिका अपने बहुत से F-35 विमानों को खाड़ी के इलाके में भी तैनात रखता है। इस विमान को रोकने की ताकत ईरान के पास नहीं है, लेकिन ईरान की छोटी लेकिन बहुत ही घातक ड्रोन वाली मिलिट्री पावर ने, कि इसराइल हो चाहे अमेरिका, उसकी ड्रोन शक्ति से पश्चिम एशिया में उसका कोई दुश्मन नहीं बच सकता। सवाल है कि युद्ध का दायरा बढ़ने पर क्या अमेरिका के मिलिट्री अड्डे ईरान का अगला टारगेट होगा? पाकिस्तान में एक बार फिर से अज्ञात बंदूकधारियों का कोहराम चारों तरफ देखने को मिला। पाकिस्तान के अंदर उस अमीर सरफराज का कत्ल हो गया जिसने भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या की थी। इस चेहरे को आप पहचानते हैं? ये वही सरबजीत सिंह हैं जिनकी जान की सलामती के लिए करोड़ों हिंदुस्तानी कई सालों तक दुआ करते रहे। आखिर 2 मई 2013 को पाकिस्तान के अंदर सरबजीत सिंह को मार दिया गया था, लेकिन जिस अमीर सरफराज ने सरबजीत सिंह की हत्या की थी, उसी अमीर सरफराज को अब अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया है। ये शब्द इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत चर्चा में है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने पाकिस्तान के अंदर अज्ञात बंदूकधारियों की दहशत पर एक स्पेशल रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें दावा किया गया था कि ये अज्ञात बंदूकधारी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद भारत के दुश्मनों से खौफनाक बदला ले रहे हैं। और अब अचानक पाकिस्तान के अंदर सरबजीत के हत्यारे अमीर सरफराज के मर्डर की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है। सरबजीत सिंह भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे तरनतारन जिले के भीखी विंद गांव के रहने वाले किसान थे। 30 अगस्त 1990 को वो अनजाने में पाकिस्तानी सीमा में पहुंच गए थे, जहां उनको पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। तब उनकी उम्र 26 साल थी। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन के दावे के बाद पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए थे। अब अज्ञात बंदूकधारियों की गोली से मारे गए अमीर सरफराज पर भी पाकिस्तान के अंदर भी मातम शुरू हो सकता है।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।